हेलो, तो नेक्स्ट वीक है राखी और फेस्टिवल के इन बहुत सारे कामों में से झटपट से बनने वाली ब्रेड रसमलाई बनाने वाले हैं हम आज। तो मैं हूँ शशि शर्मा और रेसिपी के लिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। ओके, वेलकम बैक। तो ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें व्हाइट ब्रेड। मैंने ये नॉर्मल व्हाइट ब्रेड लिया है जो शॉप्स पे मिल जाता है, उसके सारे कॉर्नर्स कट कर दिए हैं क्योंकि हमें रसमलाई बनानी है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होनी चाहिए वो, और ये कॉर्नर्स की वजह से हार्ड हो जाएगी, तो हम सारे कॉर्नर्स को कट कर देंगे। आपको जितने ब्रेड्स की ज़रूरत हो उतने ब्रेड्स के आप कॉर्नर को कट कर लीजिए। उसके बाद मैंने बेलन की हेल्प से उस ब्रेड को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है और तो उसे बेल दिया है। अब जैसे उसे बेलोगे ना वो एकदम से स्मूथ होता चला जाएगा, तो ऐसे ही मैंने सारे ब्रेड्स को स्मूथ कर दिया है बेल के। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर वो टूट सकते हैं रोल करने पर, तो अभी हम इनको रोल करेंगे इसलिए इनका स्मूथ करना ज़रूरी है। तो अभी मैंने दूध की मलाई ली है, जो नॉर्मल दूध गर्म करने पे मलाई निकलती है वो मलाई है, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं और थोड़ी सी चीनी मिला दी है। ये ऑलमोस्ट एक चम्मच के आसपास चीनी है, उतनी चीनी मैंने मलाई में मिला दिया है। अब हम ब्रेड को लेंगे और उसके अंदर अच्छे से मलाई को लगा देंगे। चारों तरफ से कवर कर दो आप ब्रेड को मलाई से, उसके बाद ब्रेड का रोल बना देंगे। और ऐसे ही मैंने सारे ब्रेड के रोल बना दिए हैं। उसके बाद रसमलाई में डालने के लिए हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। ये ऑलमोस्ट एक लीटर दूध है, इसे मैंने अच्छे से खौला दिया है पूरी तरह से। जब ये खोल जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। ये 5 से 7 चम्मच के आसपास चीनी है, और ये थोड़ा सा केसर, 4-5 धागे केसर के थे, इसको मैंने पानी में डिप कर लिया है। अब अच्छे से जब दूध खोल गया है उसके बाद मैंने कस्टर्ड लिया है, 2 चम्मच कस्टर्ड है, इसको थोड़ा सा पानी में घोल दिया है। इसको अच्छे से मिला लो ताकि इसमें लम्स ना आए। जब ये अच्छे से मिल जाए उसके बाद इसको दूध में डाल देंगे। इसको गर्म दूध में ही डालना है और उसके बाद हम इसको चलाते रहेंगे लगातार। थोड़ा 5 से 7 मिनट चलाने के बाद ही कस्टर्ड तैयार हो जाएगा, तो उसको ठंडा कर देंगे। जब ये पूरी तरह से दूध ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने जो रोल बनाए थे ब्रेड के उसमें कस्टर्ड को डाल देंगे। इतना कस्टर्ड डालना है कि सारे रोल अच्छे से रैप हो जाए, क्योंकि ये ब्रेड है तो थोड़ी देर में ये कस्टर्ड को सोक कर लेगा, तो ये कम हो जाएगा। अब जो हमारा थोड़ा सा केसर बचा हुआ था हमने उसको रसमलाई के ऊपर डाल दिया है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये पिस्ता है, हमने पिस्ता को भी काट के इसके ऊपर डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। तभी मैं इसको आपको काट के दिखा देती हूँ। ये अच्छे से ठंडी हो गई है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 1-1.5 घंटे के लिए, अभी एकदम जम गया है सारा। तो ये बहुत ही अच्छी सी ठंडी ठंडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है। अगर आपको ये रसमलाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।